श्री राम जय जय श्री राम। तू आ गया बेटा, देख यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे मेरे राम के पास कोई लेके नहीं जाता। अब तू तो यहाँ का राजा बन गया है ना, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मुझे मेरे राम के पास छोड़ो। माँ, मेरा सिर्फ एक ही अपराध है कि मैंने केकई की कोख से जन्म लिया, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं माँ। इसमें वो विधाता दोषी है जिसने केकई जैसे क्रूर नारी को जन्म दिया। उसे जन्म दिया तो दिया, उसे बाज क्यों नहीं बुलाया ताकि मेरे जैसे कुल का कलंकित पैदा ना होता। नहीं भरत, एक बेटा तो वन चला गया और दूसरा यूं देश छोड़कर जाने की बात करेगा तो ये बेचारी मैं किससे सहारा मांगेगी। तेरे आने से तो मैं सोची थी मेरा राम आ गया है। मेरी बातों का ये अर्थ कदापि नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पे संदेह करूं। मैं इसीलिए तेरी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा राम तो मुझे अपने साथ वन लेके नहीं गया, लेकिन तू जरूर मुझे उसके पास लेके जाएगा। मेरे भरत उसके पास लेके जाएगा। नहीं माँ, मैं आपको वन नहीं ले जाऊंगा, लेकिन जो वन गया है उसे आपके द्वार पर लेके अवश्य आऊंगा। नहीं भरत, मुझे ऐसे सपने मत दिखा। माँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने उन पर अपना अधिकार क्यों नहीं जताया, जाने क्यों दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती, वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म बताकर अपने पिता का आज्ञा का पालन करने वनवास चला गया। थोड़ा भी दुख विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र आभूषण, ये साम्राज्य राजमहल इस कदर छोड़ के चला गया जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग देता है। सबने अपना अपना धर्म का पालन किया और अद्भुत पुत्र हृदय को देखो, दो दो पुत्र गए पर गए, लेकिन मेरे प्राण नहीं गए। पुत्र के स्नेह के प्रति सच्चा प्रेम तो महाराजा ने निभाया। जब तक रहे उसके साथ रहे और जैसे ही वो गया उनके प्राण भी चले गए। माँ, मुझे भगवान के समान पिता मिला, भगवान के समान भाई मिला, फिर तुझ जैसी माता के कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? उस पर केकई सुत होने का कलंक क्यों लगा माँ? ये सारा संसार तो यही करेगा कि भरत ने चाल चली और अपने भाई को वनवास दे दिया और स्वयं बैठ गया अयोध्या के सिंहासन पर। नहीं भरत, जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं होता बेटा, ये तो पहले से ही निर्धारित रहता है, इसी को भाग्य कहते हैं। और हम सब भाग्य की हाथों की कठपुतलियां होकर नाचते हैं। केकई ने आज जो भी किया वो सब उससे हमारे भाग्य ने ही करवाया, इसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सारा संसार तो मुझे ही दोष देगा माँ, मुझे ही देगा। नहीं भरत, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विषैला हो सकता है, पर मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसकी साक्षी मैं संसार को दूंगी। प्रणाम गुरुदेव।